ये क्या है? किसी और प्लैनेट पे तो नहीं पहुंच गए? खूबसूरती खूबसूरती जहां देखो खूबसूरती, वाह व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। एक साइड में नदी बह रही है एंड ऊपर से राइट हैंड साइड पे ये स्ट्रक्चर्स। ओह शिट पत्थर गिर रहे हैं यार, शिट, शूटिंग स्टोन से एरिया, ऊपर से अब भी पत्थर गिर रहा। गाड़ी पे लगा भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज डे 6 ऑफ माय स्पिति ट्रिप। राइट नाउ आई एम इन नाकू। आज अभी यहाँ से निकलूँगा मैं एंड आज का डेस्टिनेशन होने वाला है काजा, विच इज अराउंड 110 किलोमीटर्स यहाँ से। तो टाइम राइट नाउ इज 10:31। By the time I strap my luggage to the bike and yahan se niklo, I think it should be somewhere around 11. Agar 11 ko main nikalta hu to maximum by 4 I should be there in Kaza. Maine suna roads theek thaak hai, aisi koi pareshani ki baat nahi hai. Breakfast ho gaya, chai pi liya, everything is done. Saying goodbye to this beautiful view, excited for the next destination, Kaza. Starting from Nako now. और आज का डेस्टिनेशन है काजा, जो कि है करीब 110 किलोमीटर फ्रॉम हियर। टाइम राइट नाउ इज अराउंड 11, तो गेसिंग पहुंचते ब्रेक्स लेके पहुंचते बाय द टाइम आई रीच इट विल बी इजीली समवेयर अराउंड 4:30-ish. I think some water crossing here. Okay, it's Maling Nala. Okay, और कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे, तो I don't know, मैं क्या निकलूँ, I think मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ ताकि ट्रक वाला निकल सके। Okay, अच्छा तो वाटर क्रॉसिंग ही है भाई। वाओ सही है। इन लैंड ऑफ लामा डू नॉट बी अ कामा। अच्छा सही है। ये बोर्ड्स लद्दाख में भी देखने को मिलेंगे हर जगह पे। आई थिंक पहाड़ों में हर जगह पे ये लगाए होते हैं टू मेक पीपल अवेयर कि कोई ऐसा वैसा काम ना करें और थोड़ा सा तमीज़ से गाड़ी चलाएं। नाको जो है ऑल्टीट्यूड पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो जब आप नाको से निकलते हो तो फिर से ढलान है और जैसे जाते हुए कार लूप्स मिले थे बिल्कुल वैसे ही नीचे जाते हुए फिर से हेयरपिन बेंड्स हैं बहुत सारे, एज यू कैन सी दैट बहुत सारे हेयरपिन बेंड्स हैं। आई थिंक नीचे उतर के फिर से ये रोड ऊपर की ओर जाती होगी। वाओ वो देखो ऐसे ही हेयरपिन बेंड्स हैं। जब से स्टार्ट किया हूँ मैं नाकों से सिर्फ हेयरपिन बेंड्स ही मिले जा रहे हैं। ये है NH 505, देखते हैं कब तक ये ऐसे स्ट्रेट रोड मिलता है। स्ट्रेट रोड जितना मिले उतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। वैसे भी आज का डिस्टेंस 110 किलोमीटर था जिस हमने ऑलरेडी आई थिंक इजीली समवेयर अराउंड 10-15 तो कवर कर ही लिया है। सो अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90 मोर टू गो। तो जितना स्ट्रेट रोड मिले उतना अच्छा है। ब्रो मोर यू स्पीड मोर यू स्किड, बहुत सही है बिल्कुल। तो अपन कंट्रोल स्पीड में ही जाएंगे। ब्रो ने बोला नहीं करने का तो नहीं करने का, बस सिंपल।
ब्यूटीफुल। ये हमेशा नदी के पास जिससे जाने वाला जो रास्ता है इस पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है यार। सो ब्यूटीफुल। यहाँ से निकल के उस रोड तक जाना है अपने को, there's a ब्रिज there, इस नाले को क्रॉस करके उस तरफ जाना है, फिर वहाँ से फिर से जर्नी शुरू होगी। क्यू टेम्पल ग्यू विलेज यहीं पे है यार, ग्यू विलेज जाना तो बनता है यार। यस ओके, चेंज इन प्लान गाइस, चेंज इन प्लान, वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस। आई थिंक एक 50 किलोमीटर का डिविएशन है मेन रोड से, यहाँ तक आए हूँ तो ग्यू विलेज तो जाऊँगा ही। बहुत ही पुराना है, अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स ओल्ड आई थिंक, वहाँ पे मम्मी है जो प्रिजर्व्ड है। रोड थोड़ा सा ख़राब है, दैट्स व्हाट आई हर्ड, अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, बट आई डोंट माइंड यार, मुझे जाना है बस ग्यू विलेज। शायद थोड़ा सा आई डोंट नो काजा आज मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं बिकॉज ऑफ दिस डिविएशन, बट देखते हैं जो भी होगा जैसे भी होगा देखा जाएगा। ओह इट वाज नाइस यार, मेरे दिमाग से निकल गया था, ऑलवेज वांटेड टू विजिट दिस प्लेस, बट पता नहीं क्यों आज मैं मेरे दिमाग में आया, मेरे ध्यान में आया नहीं बिल्कुल ये कि यहाँ से डिविएशन लेके जाना है ग्यू विलेज के लिए। एनीवेज सही टाइम पे ध्यान आ गया एंड डिविएशन ले लिया, चलते हैं। मुझे लग रहा था कुछ यू नो 30-50 किलोमीटर की दूरी पे है ग्यू विलेज, बट नो टर्न्स आउट 7 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। मैन ये बहुत बुरा लगता अगर मुझे ये ध्यान में नहीं आता, वुडंट हैव सीन द बोर्ड, बाद में बहुत बुरा लगता ये अगर मैं इसको मिस कर दिया होता तो। थैंक गॉड रीच्ड ग्यू विलेज। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल रोड नहीं है यार विलेज में, एंड दैट इज द मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री लुक्स ब्यूटीफुल बाय द वे, मस्त एकदम। यही तो खासियत है यार, मतलब इन पहाड़ों में जितना आप तकलीफ लेके ऊपर तक चढ़ते हो या फिर जितने कच्चे रास्तों से होके आप निकलते हो, मंजिल उतनी खूबसूरत लगती है। ओके यहाँ पे कुछ पर्ची कटाना है आई थिंक। हेलो क्या करना है? गाड़ी नंबर हाँ काट दीजिए, कितना मेरा आगे है नंबर है, थोड़ा देख लो ना आप भी साथ ही ना। हाँ ठीक है, कितना है एक एक का? हाँ 90 Have taken. According to Oxford University, ये मम्मी जो है इसी तरह से प्रिजर्व्ड है सिंस 1430 AD, और इसको प्रिजर्व करने में कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, बिना कुछ ही प्रिजर्वेटिव के अगर बॉडी अभी तक प्रिजर्व्ड है तो इट्स डेफिनेटली अ मिरेकल। दैट इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग एंड दैट इज़ व्हाट सेज, बट द व्यू फ्रॉम हियर इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये मेन मॉनेस्ट्री है।
राइट मॉनेस्ट्री देख लिया, निकल रहा हूँ अभी यहाँ से। टाइम राइट नाउ इज़ 1:30 PM। ये थोड़ा सा टाइम तो लग गया यहाँ पे, बाहर जाते जाते आई थिंक 2:30। तो आज काजा पहुँचते पहुँचते तो टाइम हो ही जाएगा अच्छा खासा, 5-6 तो बज ही जाएंगे इस बॉडम गैसे। लेट्स सी। Just reached Tabu. Officially entering Tabu. Wow, इन पेड़ों की वजह से ना एक हल्की सी नमी है हवा में, feels really good. गाड़ी पे हो हवा लग रही है बट फिर भी ये कम्प्लीटली ड्राई प्लेसेस है ना, यहाँ पे हल्की सी ऐसी नमी लगती है हवा में, तो फील्स रियली गुड, अच्छा लगता है। काजा इज 40 किलोमीटर्स मोर एंड टाइम राइट नाउ इज 3:50 PM। बीच में धनकर भी रुकना है तो देखते हैं। चेक आउट द व्यू गाइस, एक तो नीचे नदी है, ऊपर से ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ऑन द राइट हैंड साइड, कुछ देख के लगता है कहीं मार्स पे पहुंच गए। वाओ क्या ब्रिलियंट स्ट्रक्चर्स है यार, व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। एक साइड में नदी बह रही है एंड ऊपर से राइट हैंड साइड पे ये स्ट्रक्चर्स, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मजा आ गया यार। खूबसूरती खूबसूरती, जहाँ देखो खूबसूरती। ब्लेस्ड आर दीज पीपल मैन जो यहाँ पे रहते हैं नेचर के बीच में। होते हैं उनके अपने भी चैलेंजेस बट ठीक है, चैलेंजेस कहाँ नहीं है, सिटी में रहो तो चैलेंजेस, यहाँ नेचर में रहो तो चैलेंजेस, बट हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, इतने रिमोट प्लेस पे होने के बावजूद इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके फिर भी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जीते हैं। ये क्या है किसी और प्लैनेट पे तो नहीं पहुंच गए? नहीं, वापस धरती पे। वाह, एक तो स्टीप है, ऊपर से डैम स्लिपरी, और नीचे देखा जाए स्ट्रेट ड्रॉप। थोड़ा सा रिस्की तो है ये। ओह शिट, पत्थर गिर रहे हैं यार। शिट, शूटिंग स्टोन्स एरिया, ऊपर से अब भी पत्थर गिर रहा। गाड़ी पे लगा भी एक आधा। फक, व्हाट अ हॉरिबल स्पॉट दैट वाज यार। शिट, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं एंड लेफ्ट में खाई है। फक, अभी बज रहे हैं 5:45। बाप रे, टाबो के बाद जस्ट 12 किलोमीटर्स बिफोर काजा, रोड की हालत बहुत ख़राब है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आप रुक रुक के चल रहे हो, आप चल रहे हो लेकिन आपका
स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाता है। एंड देन बहुत सारे पॉटहोल्स है यार, नुकीले पत्थर है, पॉटहोल्स है, बहुत प्रॉब्लम है उस रोड पे। आपका स्पीड लिटरली लेस देन हाफ कर देता वो। एंड जस्ट टू ऐड टू इट, शूटिंग स्टोन्स, बहुत बड़ा शूटिंग स्टोन एरिया है वो। आई जस्ट एक्सपीरियंस इट, ऊपर से सडनली पत्थर गिरना शुरू हो गया एंड देन आके बाइक पे भी लगा। अभी उतने गंदे रोड के बाद में ये रोड देख के अच्छा लग रहा है। आई होप इट रिमेन्स लाइक दिस अंटिल काजा, बिकॉज अभी रफ पैचेस में चलाने का मन बिल्कुल नहीं है। एंड देन ये मेरा शोल्डर बैग जो है मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा है आज। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज रीच काजा एज अर्ली एज पॉसिबल, चेक इन टू अ होटल एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। एंड आई थिंक I've entered Gaza. Finally. All right. Time right now is 10 p.m. and मैं Gaza पहुंच गया था around 5:30 को पहुंच गया था। और जैसे भी मिला, जो भी मिला, पहला रूम मुझे लेना पड़ा because अभी तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एंड रूम्स का मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो जो भी पहला रूम मिला मुझे मैंने सिक्योर कर लिया। एंड रूम कुछ इस तरह से दिखता है, एक बार देख लो, बहुत ही छोटा है। एग्जैक्टली शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है ये रूम, दैट्स फाइन आज के लिए। आई जस्ट नीड सम स्पेस टू क्रैश आज और शायद कल भी कंटिन्यू करूँगा इसी रूम में। और दिस इज द टॉयलेट वॉशरूम, दिस इज हाउ इट लुक्स, प्रीटी बेसिक है। आज तो कुछ खास हुआ नहीं एक्चुअली। आज सुबह सुबह मैं निकल गया था नाको से एंड मुझे लगा जैसे करचम से नाको का रास्ता था कल बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन नहीं यार, नॉट दैट ईजी। लोग बोलते हैं कि रोड अच्छा है, आप पहुंच जाओगे आराम से 4 से 5 घंटा, 4 घंटा इज़ व्हाट दे से, बट नहीं होता। एंड वन गुड थिंग अबाउट टुडेज़ राइड वाज कि जैसे मेन रोड पे मैं पहुंचा, आई कुड सी व्यू विलेज का बोर्ड। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 35-40 किलोमीटर्स आफ्टर नाको, वहाँ पे बोर्ड दिखा था आपको मेन रोड पे। तो लकीली मैंने नोटिस किया उसको एंड देन आई टुक अ डिटॉर, वेंट टू क्यू विलेज। इट वाज गुड, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे गए, मोनेस्ट्री एक्सप्लोर किया, मम्मी देखा जो बोलते हैं 1430 AD से उसी पॉस्चर में है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। दैट वॉज इंटरेस्टिंग। एंड अभी उसके बाद मॉनेस्ट्री बहुत खूबसूरत है एक्चुअली, बिकॉज मम्मी जो रखा है दैट्स अ सेपरेट बिल्डिंग एंड मॉनेस्ट्री एक्चुअली जो है बहुत ही खूबसूरत है, उसका लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दैट रूट, डू टेक अ डिटॉर एंड विजिट जरूर करना, इट्स अ गुड प्लेस। रोड उतना खास नहीं है, इट्स जस्ट यू नो 10 किलोमीटर स्ट्रेच, बट देन इट टेक्स सम टाइम यू नो, ऑब्वियसली बिकॉज ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, लोग एक्सेप्ट फॉर टूरिस्ट आते जाते नहीं है, तो इट्स नॉट वेल मेंटेन, स्टिल वर्थ अ विजिट। सो आफ्टर दैट टाबो तक इट वॉज ओके, बट देन टाबो से आगे यू नो काजा से 10 किलोमीटर्स बिफोर, सॉरी एक्चुअली मेरा फूड आ गया था। तो एज आई वाज सेइंग टाबो से जैसे आप निकलते हो रफ पैच शुरू हो जाता है, दस वन पर्टिकुलर स्ट्रेच जो बहुत ही खूबसूरत है, वेरी सीनिक, उसमें बाइक चलाने में बहुत मजा आता है, बट एक्सेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच इट्स नॉट दैट ग्रेट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज शूटिंग स्टोन्स, दस एक्चुअली अ बोर्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगा के रखा है एक बोर्ड सेइंग शूटिंग स्टोन्स का एरिया है, बट
वहाँ से जैसे मैं निकला, लकीली मेरा गोप्रो ऑन था, तो ऊपर से सीधा स्टोन्स आए एंड देन लकीली मुझे नहीं लगा, बट देन माय बाइक एक्चुअली टुक द बीटिंग। एग्जैक्टली 12 किलोमीटर्स बिफोर काजा अच्छा रोड शुरू हो गया था, सो दैट इज वन गुड थिंग। तो जितना भी स्ट्रेस हुआ था उस रोड पे, सारा थकान मिट गया, जस्ट केम रिलैक्स अ बिट। एंड अभी खाना आ चुका है, आई हैव माय डिनर एंड कॉल इट अ डे। और कल का प्लान ये है कि कल का प्लान लांगजा हिकिम कॉमिक एंड आई विल सी इफ आई कैन कवर की मोनेस्ट्री एज़ वेल, बिकॉज अगर की मोनेस्ट्री भी कवर हो जाता है कल के आइटनरी में, तो आई डोंट हैव टू स्टॉप इन बिटवीन यू नो व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स चंद्रताल। तो आई सी हाउ इट गोज, अगर हुआ ठीक है, नहीं तो फिर बाकी के तीन जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर कर लेंगे एंड ऑन द वे कल की मोनेस्ट्री देखूंगा। बट फॉर नाउ इट्स कॉल इट अ डे, इट्स ऑलरेडी 10:15 एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड, भूख भी लग रही है, खाना खाता हूँ, आई विल सी यू टुमारो। द स्टैच्यू इट्स अ डैम ब्यूटीफुल यार, दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, altitude 15,049 feet above sea level. Okay, I'm currently at world's highest post office. अब पता नहीं पिछली बार मैंने कब पोस्ट किया था, लेटर या पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम किसी को, आई डोंट इवन रिमेंबर दैट। क्या लैंडस्केप है यार ये,